हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मीडिया न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे ऑल मूवी अपडेट्स के बारे में, जिसमें कि मार्वल, डीसी, सोनी टीवी सीरीज और देन ट्रेलर्स के अपडेट भी होंगे। तो काफी सारी चीजें इंक्लूडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस अपडेट। तो सबसे पहले वेनम मूवी का अपडेट। आप सभी को पता है कि वेनम मूवी 5 अक्टूबर को लगने वाली है, जो कि ऑल कंट्रीज में इंडिया इंक्लूडिंग भी है। और देन टॉम हार्डी इस मूवी का काफी जोरों शोरों से प्रमोशन करने में लगे पड़े हैं। और टॉम हार्डी अभी हाल ही में मॉस्को गए थे, जिस इवेंट की आप पिक देख रहे हो, और उसमें उन्होंने थिएटर में बैठकर फैंस के साथ टीजर और पहला ट्रेलर देखा, जिसमें कि उन्होंने जवाब दिया कि ये मूवी आपको भले एक हीरो की लग रही है, पर ये मूवी काफी डिफरेंट है। तो उनका कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि शायद वो डेडपूल के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि डेडपूल भी काफी डिफरेंट मूवी है, पर वो एक हीरो है, पर वो भी मारता है। तो शायद वेनम मूवी में हमें ऐसी देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मार्वल स्टूडियो की तरफ से, वो है कैप्टन मार्वल का। तो कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसने यूट्यूब पर 24 घंटे में 109 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है मार्वल फैंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, जो कि मार्वल फैंस बिगेस्ट है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है सिनेमैटिक तरफ से। उन्होंने फेज 3 की सारी मूवी का एक बॉक्स बनाया है, अगर आपको ये सारी खरीदनी है तो आप ऑनलाइन स्टोर पे जाके देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है इंटरनल्स का। आप सभी को पता है फेज 4 में ये मूवी आ रही है, जिसका ऑफिशियल डायरेक्टर अनाउंस हो गया, वो है जोया। तो बहुत ही अच्छी बात है मार्वल फैंस के लिए। नेक्स्ट अपडेट है मैन इन ब्लैक 3 का। आप सभी को पता है क्रिस हेम्सवर्थ इनकी शूटिंग पे लगे हुए हैं, अगर आपको ये सारे रिसेंट अपडेट देखने हैं तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए, आपको सारे अपडेट मिलेंगे। उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग का अभी हाल ही में सेट फुटेज लॉन्च हुई है, जिसमें कि एक सर्कस का मेला लगा हुआ है। तो ऑफिशियली मिस्टीरियो की शूटिंग हो रही है, जिसमें कि स्पाइडरमैन से वो पहली बार मिलता है। आप सभी को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम, ये कोई ऑफिशियल टाइटल कंफर्म नहीं है, बट अभी हाल ही में जोरों शोरों से जो रूमर्स आ रहे हैं और सभी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा ये अपडेट दे ही दूंगा आपको भी, और ये अपडेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अभी हाल ही में रूसो ब्रदर ने जो इमेज डाली थी, इसमें दो टाइटल निकल के आते हैं, एक तो एंड गेम्स, एक है एवेंजर असेंबल। आपको क्या लगता है, ये दोनों टाइटल हो सकते हैं या कोई अलग भी टाइटल हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो एवेंजर असेंबल लग रहा है, बट पॉसिबल नहीं है, और एंड गेम भी हो सकता है। उसके बाद कैप्टन मार्वल का ऑफिशियली जो पोस्टर लॉन्च करा गया था, तो मार्वल स्टूडियो ने अपने टोटल 21 पोस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि फर्स्ट लुक के होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मार्वल। उसके बाद गेम्बिट का अपडेट। तो गेम्बिट मूवी तभी स्टार्ट होगी शूटिंग के लिए, जब फॉक्स और डिज्नी की ढंग से डील हो जाएगी पैसे समेत, यानी कि पूरा माल वापस आ जाएगा। देन उसके बाद जैकी का ऑफिशियल फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ, जो कि काफी खतरनाक और डरावना लग रहा है। आपको कैसा लगा और आपको ये देखना है तो फेसबुक पेज पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वोंग का। तो वोंग अभी हाल ही में दोबारा के लिए शूटिंग गए हैं एवेंजर 4 की, जो कि रीशूट चल रहे हैं, और आप सबको पता है कि इसमें कुछ डिफरेंट है। वोंग के बालों को लगाया जा रहा है या निकाला जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि वोंग के एवेंजर 4 में बाल आ चुके हैं, क्योंकि पहले तो बाल नहीं थे, हल्के थे, पर अब आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो मूवी में डिफरेंट होगा देखने लायक। उसके बाद डेड एविल का नया फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और देन आपको ये लुक कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप ये टीवी सीरीज भी देखते हो। मैं तो थोड़ी थोड़ी देखता हूँ, पर इंग्लिश में। और देन आपको थोड़ा निराशाजनक होने वाली है, क्योंकि ये है जोकर का फर्स्ट लुक, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो डार्क नाइट वाला जोकर काफी अच्छा था। और देन अभी देखते हैं आगे जब मूवी रिलीज होगी। उसके बाद कमाल का अपडेट, इनक्रेडिबल 2 ब्लू रे इन हिंदी 21 अक्टूबर को लॉन्च होगी। अगर आपको ये डीवीडी खरीदनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो 21 अक्टूबर के बाद। उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ ने एक अपडेट काफी कमाल का दिया, वो जा रहे हैं शूटिंग के लिए एवेंजर 4 की, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। अगर आपको वो स्टोरी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो और उन्हें फॉलो भी करिए। अब बात करते हैं मूवी ट्रेलर्स के बारे में। तो सबसे कमाल का अपडेट मूवी ट्रेलर्स का है एक्स मैन द डार्क फीनिक्स का। तो एक्स मैन द डार्क फीनिक्स रशिया में पहला ट्रेलर दिखाया जा चुका है, जो कि काफी कमाल का गया है और हमारे सामने वेरी ही जल्दी आने वाला है। तो आप इंतजार करिए एक्स मैन द डार्क फीनिक्स ट्रेलर का, जो कि दिसंबर के अंदर आ जाएगा। और मंडे को बम्बलबी का सेकंड फर्स्ट ट्रेलर आने वाला है, आपको फर्स्ट ट्रेलर देखने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको एक्वामैन का सेकंड ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जो कि फैंस के लिए खासकर लॉन्च करा जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, पर सेक हो जाएगा। उसके बाद आईमैक्स में कैप्टन मार्वल का ट्रेलर देखा एयरफोर्स टीम के साथ, जो कि कैप्टन मार्वल ने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इनके साथ ट्रेलर देखना चाहूंगी आईमैक्स में। नेक्स्ट वीक में मंडे को आपको फैंटास्टिक बीस्ट 2 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो देखते हैं कि कितने बजे तक आएगा ट्रेलर। उसके बाद शज़ाम का नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा सेकंड, जो कि पहला ट्रेलर तो ज्यादा खास नहीं गया था, पर देखते हैं ये ट्रेलर कैसा जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।